कानपुर में एक गोलगप्पे वाला यानी प्रेमचंद अपना ठेला लेकर अपने घर जा रहा था कि तभी अचानक सफीपुर मोड़ पर कुछ दबंग चार लड़के आ गए और प्रेमचंद से कहा कि हमें गोलगप्पे खिलाओ। हालांकि प्रेमचंद ने कहा कि गोलगप्पे खत्म हो चुके हैं और गोलगप्पे नहीं बचे, अब मैं घर जा रहा हूँ, मुझे जाने दो। हालांकि उन चारों दबंगों ने कहा कि हमें साफ साफ दिख रहा है तुम्हारे ठेले पर गोलगप्पे अभी भी है, अब हमें गोलगप्पे खिलाओ वरना हम तुम्हें बहुत ज्यादा पीटेंगे। लेकिन प्रेमचंद ने एक भी नहीं सुनी। उसके बाद चारों दबंगों ने उस प्रेमचंद को मारा, पीटा और गाली गलौज की। उसके बाद प्रेमचंद घर चला गया। घर पहुंचने के बाद प्रेमचंद के अचानक शरीर में दर्द होने लगा और रात में उसकी हालत बिगड़ने लगी। सुबह उसे अस्पताल लेकर चले गए तो अस्पताल ने उसे मृत घोषित कर दिया। सोमवार को जब सुबह ये बात पुलिस को बताई गई तो पुलिस ने उन चारों दबंगों के खिलाफ मर्डर के मामले में केस दर्ज कर लिया।